हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन कुक विद अंडी। आज मैं बनाने वाली हूँ व्हीट गार्लिक नान, यानी कि गेहूं के आटे से बना नान। बहुत ही टेस्टी लगता है गार्लिक फ्लेवर में। तो चलिए इसे बनाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज पसंद आए तो मेरे चैनल कुक विद अंडी पे सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन पे क्लिक करें। बेल आइकन पे क्लिक करने से आप सभी को मेरी न्यू रेसिपीज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी। तो सबसे पहले हमें नान का डो तैयार करना है। तो मैं लूंगी यहाँ पर 1 कप गेहूं का आटा और 1/2 कप मैं लूंगी दही। नमक हम डालेंगे स्वाद अनुसार, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर या सोडा ना हो तो आप इनो या ड्राई ईस्ट, इंस्टेंट ईस्ट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डो में मैंने पानी ऐड नहीं किया क्योंकि मैंने दही पतली ली थी। अगर आप गाढ़ी दही ले तो आप इसमें पानी ऐड करके सॉफ्ट डो बना लें। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा तेल ऐड करके इसे चिकना कर लूँगी। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के हम इसे रेस्ट होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। 15 मिनट हो गए हैं। डो को एक बार हाथों से हम मल लेंगे। किचन फ्लोर पर ही बनाऊँगी नान को, इसके मैं 3 पार्ट करूँगी। तो हम लेंगे सूखा आटा, थोड़ा सा हम लगाएंगे और इसे राउंड शेप या ओवल शेप में बेल लेंगे। अब हमें लेना है लहसुन, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है, थोड़ा सा काला तिल, थोड़ा सा हरा धनिया। और अब हम इसके ऊपर इस लहसुन को अच्छे से फैलाएंगे, थोड़ा सा काला तिल, थोड़ा सा हरा धनिया, और इसे हल्के से बेल लेंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। अब हमें इसे सेकना है तो हम पहले इसे हाथों पे लेंगे और इस तरफ हमें पानी लगाना है। पानी इसलिए लगाएंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए नीचे की तरफ से। तो चलिए मैं दिखाती हूँ इसे कैसे सेकना है। नान को सेकने के लिए हमें लोहे का तवा चाहिए। मेरे पास लोहे का तवा नहीं है इसलिए मैं इस तवे में बना रही हूँ, क्योंकि नॉनस्टिक तवा पे ये नहीं बन पाएगा अच्छे से। जिस तरफ हमने पानी लगाया है उस तरफ हम इसे डाल देंगे। अभी बबल आना स्टार्ट हो रहा है तो थोड़ी देर हम इसे पका लेंगे। तो ऊपर की तरफ से बबल्स अच्छे से आ गए हैं, मतलब ये नीचे की तरफ से सिक चुका है। तो अब हम पैन को उल्टा करेंगे ताकि इस तरफ से भी अच्छे से सिक जाए गैस के फ्लेम पे। आप देख रहे हैं ये चिपका इसलिए है क्योंकि हमने पानी इस पर लगाया था। तो अब मैं इसे फ्लेम पर इस तरह से पकाऊँगी उल्टा करके। ये आपने देखा, अब ये ऊपर से अच्छे से सिक चुका है, इसे मैं निकालूंगी। ये देखिए नीचे से भी बहुत ही अच्छे से सिक चुका है। मैं इसके ऊपर लगाऊंगी अब बटर। तो हमारा व्हीट गार्लिक नान अब बनके तैयार है। मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूंगी। इसी तरह से और गार्लिक नान को मैं सेक लूंगी। गार्लिक नान बनके तैयार है, गेहूं के आटे से बना और लहसुन के फ्लेवर में। आप इसे सर्व करें सब्जी के साथ, बहुत ही टेस्टी लगता है और ये खाने में बहुत सॉफ्ट लगता है। तो अगर आप लोगों को मेरी ये नान की रेसिपी पसंद आई हो तो कुक विद अंडी पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।